बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है लिक्विड्स और लिक्विड्स में फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर लिक्विड्स, लिक्विड्स किसे कहते हैं। तो लिक्विड्स की डिफिनीशन हम करते हैं कि लिक्विड क्या चीज़ है, लिक्विड क्या चीज़ है। नो द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डिफिनेट वॉल्यूम बट नो डिफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर which has definite volume but no definite shape is called लिक्विड। तो लिक्विड की तारीफ हम किस तरह करते हैं, माया की तारीफ हम किस तरह करते हैं। तो माया मादे का वो तिबी हालत है जिसका जो वॉल्यूम होता है, हुजम होता है, वो मखसूस होता है, लेकिन उसका जो शेप है वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, मखसूस नहीं होता है, वेरिएबल होता है। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्यों मखसूस होता है और शेप क्यों मखसूस नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। तो इसकी वजह यह है कि लिक्विड में मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं बाय स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिसल कर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इसी वजह से लिक्विड का जो शेप है वो इनडेफिनेट होता है, यानी लिक्विड का जो शेप है ये उस कंटेनर की होता है की तरह होता है जिसमें ये रखी जाती है। लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, मखसूस होता है, इसकी क्या वजह है। इसके दो रीजंस है। नंबर एक, लिक्विड के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस है वो ना होने के बराबर होते हैं। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल करीब नहीं आ सकते हैं, जब करीब नहीं आ सकते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो सकती है। और नंबर दो, लिक्विड के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर चले जाए, यानी वो फ्री मोशन करें। लिक्विड के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं बाय स्लाइडिंग ओवर वन अनदर, लेकिन फ्री ट्रांसलेशनल मोशन वो नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता नहीं है, उसमें इजाफा नहीं होता है। तो वॉल्यूम डेफिनेट हो गया और शेप जो है वो इनडेफिनेट है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिक्विड के सम सिंपल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, तो इनमें से नंबर फर्स्ट वन जो है वो है एक्सपेंशन। वो क्या है, वो है एक्सपेंशन। नंबर फर्स्ट वन एक्सपेंशन। तो इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्परेचर इफेक्ट। तो एक्सपेंशन, तो व्हाट इज़ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किसे कहते हैं। तो एक्सपेंशन की जो सिंपल डिफिनेशन है वो है द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू चेंज इट्स शेप, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन रिस्पांस टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन, पहले हम जनरली डिस्कस करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्मल एक्सपेंशन।
थर्मल एक्सपेंशन द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू चेंज इट्स शेप एरिया वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन रिस्पांस टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इज कॉल्ड Now, the tendency of a matter to change its shape, area, volume, and density in response to change in temperature is called thermal expansion. So, liquids mein chunke, shape indefinite hai. So, ye isme nahi aati hai. So, liquid mein thermal expansion se kya murad hai? लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन से मुराद है द चेंज यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन नो द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू चेंज से मुराद है इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन तो याद रखना कि लिक्विड्स में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है और गैस में थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जब थर्मल एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है और डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है तो चूंकि डेंसिटी वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है जब हीटिंग अप से गर्म होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर मैंने डेंसिटी का जिक्र नहीं किया सिर्फ वॉल्यूम का जिक्र किया यानी द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्यू टू चेंज यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन से MCQ है याद रखना कि थर्मल एक्सपेंशन से लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है वॉल्यूम इंक्रीज और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें दो तरह की एक्सपेंशन होती है एक है अपेरेंट एक्सपेंशन और नंबर दो होती है एब्सोल्यूट एक्सपेंशन लिक्विड्स को जब हम गर्म करते हैं तो इनमें दो तरह की एक्सपेंशन होती है नंबर एक अपेरेंट एक्सपेंशन और नंबर दो है एब्सोल्यूट एक्सपेंशन तो अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होती है और एब्सोल्यूट एक्सपेंशन क्या होती है तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम से इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक फ्लास्क लेता हूँ ये है हमारे पास एक का फ्लास्क ये फ्लास्क हो गया यहाँ पर ये मार्क है यानी ये 500 ml यहाँ पर है क्या है ये 500 ml यहाँ पर है तो इसमें मैं कोई एक लिक्विड रखता हूँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है तो जब मैं इसको गर्म करता हूँ क्या करता हूँ जब मैं इसको गर्म करता हूँ पहले हीटिंग करता हूँ गर्म करता हूँ तो गर्म होने पर क्या हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे आ जाता है
ये मार्क, ये 500 ml, ये रेड मार्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड का जो लेवल है ये नीचे गिर जाता है। तो ये लेवल क्यों नीचे आ गया? तो यहाँ पर गर्म होने से डायरेक्ट लिक्विड गर्म नहीं होती है, पहले ये फ्लास्क जो है ये गर्म हो जाती है और इसमें एक्सपेंशन हो जाती है। इसका वॉल्यूम जो है, इस फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ गया, लिक्विड की मकदार कम नहीं हुई, लिक्विड की जो मास है वो कांस्टेंट है, उसमें कमी नहीं आ गई, लेकिन फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ गया, इसी वजह से ये लिक्विड का जो मकदार है वो नीचे आ गया। फिर जब मैं मज़ीद गर्म करता हूँ, मज़ीद हीटिंग करता हूँ, तो मज़ीद गर्म होने से अब लिक्विड गर्म होना शुरू हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लिक्विड गर्म होना शुरू हो जाती हैं। मज़ीद गर्म करता हूँ तो लिक्विड गर्म होना शुरू हो जाती है। ये मार्क है जो कि फ्लास्क पर लगा हुआ है। अब लिक्विड कहाँ पर आ जाती हैं? लिक्विड जो है इस पॉइंट पर आ जाती है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ये क्या है? ये इंक्रीज यानी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क हो गया। ये क्या है? फ्लास्क हो गया। और ये क्या है? इसको कहा जाता है अपेरेंट एक्सपेंशन। इसको क्या कहा जाता है? अपेरेंट एक्सपेंशन कहा जाता है। तो व्हाट इज अपेरेंट एक्सपेंशन? अपेरेंट एक्सपेंशन क्या है? नो, द एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड रिलेटिव टू द कंटेनर इज कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। यहाँ पर लिखता हूँ अपेरेंट एक्सपेंशन। तो व्हाट इज अपेरेंट एक्सपेंशन? द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। और द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड रिलेटिव टू द कंटेनर इज कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। और नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एक्सपेंशन? तो यहाँ पर ये अपेरेंट एक्सपेंशन हो गया और ये एक्सपेंशन क्या है? इन कंटेनर है। तो ये क्या है? एक्सपेंशन इन कंटेनर। और ये क्या है? अपेरेंट एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन इन कंटेनर और ये अपेरेंट एक्सपेंशन, इसको मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एक्सपेंशन, या इसको एक्चुअल एक्सपेंशन, या इसको रियल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट एक्सपेंशन, नाउ द सम ऑफ एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड अपेरेंट एक्सपेंशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। आर एक्चुअल आर रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन। तो एब्सोल्यूट एक्सपेंशन किसके बराबर हो गया? एब्सोल्यूट एक्सपेंशन जो है ये बराबर है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ
कंटेनर यानी फ्लास्क प्लस अपेरेंट एक्सपेंशन। अच्छा, तो अब ये अपेरेंट एक्सपेंशन और एब्सोल्यूट एक्सपेंशन मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ज़रा देख ले, ये है मेरे साथ एक फ्लास्क। ये क्या है, ये हो गया फ्लास्क का। तो इसमें ये रेड मार्क है, ये रेड मार्क जो है यहाँ तक ये 500 ml है, यहाँ तक मैंने ये लिक्विड लिया हुआ है। ये क्या है, ये रेड मार्क जो है इस तक मैंने ये लिक्विड लिया हुआ है, ये 500 ml इसमें पानी है। तो इसको जब मैं गर्म करता हूँ तो गर्म होने पर पहले क्या हो जाती है, ये फ्लास्क गर्म हो जाती है। पहले क्या हो जाती है, ये फ्लास्क गर्म हो जाती है और फ्लास्क के गर्म होने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लिक्विड वॉल्यूम बढ़ गया, तो फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से ये लिक्विड का जो लेवल है ये नीचे आ गया। लिक्विड कम नहीं हुई यहाँ पर इसमें, लेकिन फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ गया, इसी वजह से ये लेवल नीचे आ गया। मज़ीद गर्म होने पर ये लिक्विड जो है इसके फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है वो गर्म होना शुरू हो जाती है और इसमें एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। तो फिर क्या हो जाती है, फिर अच्छा मज़ीद गर्म होने पर ये इस पॉइंट तक आ गया। पहले इस पॉइंट तक था, फिर गर्म होने पर ये लिक्विड यहाँ पर आ गया और मज़ीद गर्म होने पर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह ये ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह ज़रा देख लें। तो ये मार्क ऑन फ्लास्क है ये। तो जब मैंने गर्म किया तो फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ गया, तो फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से लिक्विड का जो लेवल था वो नीचे आ गया। तो ये क्या है, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क है। ये क्या है, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क है, यानी फ्लास्क में एक्सपेंशन हो गया और फिर मज़ीद गर्म होने पर ये लेवल यहाँ तक आ गया। तो ये देख ले ज़रा, ये तो ये इस मार्क से यहाँ तक, ये इसको रिलेटिव एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड या अपेरेंट एक्सपेंशन कहा जाता है। यहाँ तक क्या है, ये इस फ्लास्क के इस मार्क से लेकर यहाँ तक जो इजाफा है इसको अपेरेंट एक्सपेंशन कहा जाता है। और ये क्या है, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क है। तो एक्चुअल एक्सपेंशन किसके बराबर हो गया, एक्चुअल एक्सपेंशन जो है ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क और ये जो अपेरेंट एक्सपेंशन है ये मजमू तौर पर जो है इसको एक्चुअल एक्सपेंशन या एब्सोल्यूट एक्सपेंशन या रियल एक्सपेंशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, गुड बाय।